नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, शिक्षा मंत्री को अभ्यर्थियों ने किया ट्रोल। गया से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट इस दिन से होगी शुरू। देश में 100 करोड़ लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य पूरा होने पर जगमगा उठा नालंदा खंडन। पटना हाईकोर्ट में 4 जजों की हुई नियुक्ति। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश तेजस्वी सहित कई नेताओं ने विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। आज समूचे बिहार में विजयादशमी की धूम देखने को मिल रही है। वहीं आज के इस पावन मौके पर सीएम नीतीश तेजस्वी यादव समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बधाई संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, बुराई, लोभ और अत्याचार पर अच्छाई, सद्भाव और सदाचार की विजय के प्रतीक विजयादशमी और दशहरे की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गया से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट इस दिन से होगी शुरू। बोधगया के पर्यटन और त्योहारी सीजन के मद्देनजर गया से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी सेवा की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि सप्ताह में 3 दिन यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गया से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए उड़ान भरेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये विमान सेवा 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सफर आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिगो एयरलाइंस की सेवा गया से कोलकाता के लिए भी जारी है। इसके विमान सप्ताह में 4 दिन गया कोलकाता की उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही गया से दिल्ली और कोलकाता के लिए विमान सेवा बहाल हो जाने से मगध प्रक्षेत्र के साथ ही झारखंड के सीमावर्ती जिलों के यात्रियों को यात्रा में सहूलियत होगी। बिहार में यहां पर ग्रीन एनर्जी से चलेंगी ट्रेनें। पर्यावरण बचाने की मुहिम में बिहार के कटिहार रेल मंडल ने सराहनीय कदम उठाया है, जिसके तहत ग्रीन एनर्जी से यहां ट्रेनों को चलाया जाना है। देश में जारी कोयला संकट और बिजली संकट की अफवाहों के बीच कटिहार रेल मंडल के इस कदम की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके तहत कटिहार गुवाहाटी रेलखंड में दिल्ली से गुवाहाटी तक साल 2023 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें कोयले की जगह विद्युत के इस्तेमाल से चलेंगी, जो कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में बेहतरीन प्रयास है। इस बाबत अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी से ट्रेनों के परिचालन से पर्यावरण के साथ साथ अन्य कई विषय पर लाभ मिलेगा और इससे प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए HSD तेल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। देश में 100 करोड़ लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य पूरा होने पर जगमगा उठा नालंदा खंडहर। देश में 100 करोड़ लोगों के COVID-19 वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया है, जिसका नजारा नालंदा खंडहर में भी देखने को मिला, जब कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के 100 विश्व धरोहर को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लाइटों से जगमगा दिया गया, जिसमें नालंदा खंडहर भी शामिल था। आपको बता दें कि नालंदा खंडहर में पहली बार इस तरह से रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं और इसके बाद स्थानीय गांव के लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। लोग नालंदा खंडहर के इस मनोरम दृश्य की एक झलक देखने की ललाइत देखने को मिले। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पहली बार इस तरह से नालंदा खंडहर के भग्नावशेष को रंग बिरंगी लाइटों से चकाचौंध किया गया है। आज विधि विधान और मुहूर्त के हिसाब से होगी दशहरा पूजा। आज नवदुर्गा के 8 दिन की पूजा के बाद दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरा पर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तारीख को अपराह्न काल में मनाए जाने की प्रथा है। आज का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत है। इस दिन पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था और कुछ जगह पर त्योहारी विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, आज के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। मशीनों और कारखाने आदि की पूजन की परंपरा है। देश की तमाम रियासतों और शासकीय शास्त्रानगरों में पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। जानकारों की माने तो दशहरा की शुरुआत 14 अक्टूबर की शाम 6:51 से हो गई थी, जो कि आज यानी कि 15 अक्टूबर की शाम 6:02 तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दशहरे का दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम को आज सलाम। भारत के इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम को अवैध बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के तौर पर याद किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम ने अपने कार्यकाल में बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सबसे घातक और मारक हथियार प्रणालियों का देश में ही विकास किया था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत रत्न देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म आज ही के दिन साल 1931 को हुआ था। 1960 में डॉक्टर कलाम DRDO के वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान से जुड़ गए थे। 1969 में डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च वाहनों के लिए परियोजना निदेशक बनाया गया था और उन्हें इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला और 1981 में उन्हें पद्म भूषण मिला। वहीं 1990 में उन्हें एक बार फिर से पद्म भूषण दिया गया था। पटना हाईकोर्ट में 4 जजों की हुई नियुक्ति।
बीते दिन अधिवक्ता कोटे से पटना हाईकोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता कोटे से संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 में दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नियुक्त किया गया है। हालांकि कार्यभार संभालने की तारीख क्या होगी, ये पूरी तरीके से इनकी वरीयता पर निर्धारित करेगी। इसके साथ ही इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की तरफ से 14 अक्टूबर 2021 को जारी कर दी गई है। उक्त अधिसूचना की प्रति अधिवक्ता संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह और सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा को पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक के जरिए भेज दिया गया है। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। बीते दिन बिहार में बड़ा रेल हादसा टल गया है। पटना से सटे दानापुर रेलखंड के दिलदारनगर स्टेशन के पास डाउन लाइन की पटरी चटक गई थी। पटरी चटकने की जानकारी मिलते ही रेलवे परिचालन को रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर घंटे भर रोक दिया गया। रेलवे इंजीनियर ने पटरी की मरम्मत करने के बाद रेलवे परिचालन को शुरू करवाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बुधवार की शाम करीब 4 बजे डाउनलोड पासना एक्सप्रेस पोल संख्या के पास से गुजर रही थी और इसी दौरान रेलवे पटरी से चटक गई थी और बड़ा हादसा होने से टल गया। और ट्रेन की स्पीड कम थी, इसलिए चटकी पटरी से ट्रेन के गुजरने के कारण सिग्नल लाल हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन में जुटा बिहार। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही बिहार आने वाले हैं। वहीं उनके आगमन को लेकर अभी से ही तैयारियां बिहार में शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने खासतौर पर मुलाकात कर राष्ट्रपति को न्योता दिया था। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही सामूहिक भोज की तैयारी भी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। वो 2 दिनों तक पटना में ही रहने वाले हैं। वो इस दौरान पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब भी जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी पटना के डीएम और एसएसपी के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजाम को चुस्त दुरुस्त करने में अभी से ही जुट गए हैं। वहीं बिहार में भी उनकी सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की जा रही है। राजधानी पटना में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन में करे पर्यावरण की चिंता। आज दशहरे के दिन कई जगह पर मूर्ति विसर्जन का काम किया जाएगा। वहीं राजधानी पटना में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन अधिनियम 2021 लागू हो गया है, जिसके तहत दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन में पर्यावरण की चिंता करनी होगी। इसमें लापरवाही बरतने पर 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए इस अधिनियम की धारा 11 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम को इस अधिनियम के तहत पूजा समितियों को अलग अलग तालाब में मूर्ति विसर्जन के लिए टाइट रहना होगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया नियमावली 2021 सरकार के आदेश से बीते 4 अक्टूबर को ही प्रभावी हो गई है। शिक्षा मंत्री को अभ्यर्थियों ने किया ट्रोल। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में अपना एक ट्वीट जारी किया था। इस ट्वीट को लेकर वो अभ्यर्थियों के निशाने पर आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर शिक्षक नियोजन को लेकर कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में ले, जिससे वो अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार न हो। इस ट्वीट के बाद ही अभ्यर्थियों का गुस्सा उन पर फूट गया था। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी इस ट्वीट पर एतराज जताते हुए कहा कि ये विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इस मामले में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सरकार ने पहले तो कहा था कि 15 अगस्त तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम कर लिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने चाचा नीतीश को दिया बड़ा ऑफर। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अब तेज प्रताप यादव ने अपना एक और बयान जारी किया है, और जिससे सियासत में नया भूचाल आ गया है। भले ही वर्तमान समय में तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चल रहे हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने पार्टी की भलाई के लिए अपने चाचा नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू जी से मुलाकात करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बड़ा भाई कहते हैं। बड़े भाई दिल्ली में है, ऐसे में नीतीश जी को चाहिए कि वो जाकर उनसे मुलाकात करे। लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बड़ा भाई तो कहते ही है, बड़े भाई को चाहिए अगर लालू जी के साथ मिलकर कोई धमाल कर देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। पप्पू यादव ने राजद को बताया मौका परस्त। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इस बीच सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को तो कतार में उतार ही दिया है, साथ ही स्टार प्रचारकों को भी प्रचार करने की प्रक्रिया में लगा दिया गया है। इसी कड़ी में बीते दिन जा प्रमुख पप्पू यादव ने उपचुनाव को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग परेशान आत्मा रहते हैं। कांग्रेस के 19 विधायक के बगैर आप सरकार बना लीजिएगा क्या? उन्होंने कहा कि कुछ लोग लंबा ख्याली पुलाव देखते हैं तो उसमें मेरा कुछ नहीं कहना है। एक तरफ आप कांग्रेस को लात भी मारिएगा और सरकार भी बनाइएगा, यही बात मेरे समझ से बाहर है। एक विधायक के चलते आप सारे रिश्ते भूल जाएंगे। इन लोगों की आदत ही है, जब जरूरत पड़ती है तो पैर धर लेते हैं।
हैं और जब काम निकल जाता है तो भूल जाते हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी ने सलाहकार को लेकर की बड़ी टिप्पणी। बिहार के चर्चित आईपीएस अभियानंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुलिस प्रमुख रहने के दौरान का वाक्या हाल ही में साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने सलाहकार को लेकर टिप्पणी की है, जहां उन्होंने बीते दिन फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तत्कालीन डीजीपी अभियानंद ने कहा कि मेरे डीजीपी रहने के दौरान पुलिस विभाग में सलाहकार नियुक्त करने की चर्चा हो रही थी। तब हमने राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी भावना से अवगत करा दिया था। उस दौरान हमने साफ साफ सीएम नीतीश से कहा था कि पुलिस विभाग में सलाह देने वालों को ही उस सलाह का क्रियान्वयन करना होगा। तब डीजीपी के बाद से मुख्यमंत्री भी सहमत हुए थे और पुलिस विभाग में सलाहकार की नियुक्ति नहीं हुई थी। आज बीसीसीआई की टीम आएगी रांची। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच को लेकर आज बीसीसीआई की टीम राज्य के जेएससीए स्टेडियम में जाने वाली है। आपको बता दें, स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच प्रस्तावित है। बीसीसीआई की टीम के सदस्य अपने दौरे के क्रम में स्टेडियम और होटल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और राज्य के रेंडिसन ब्लू होटल में खिलाड़ियों को ठहरने का कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही साथ कोविड-19 के माहौल को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए पूरा होटल खिलाड़ियों के लिए बुक कराया गया है। बीसीसीआई के सदस्य स्टेडियम में मौजूद सुविधाओं के साथ सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लेंगे। 18 नवंबर को टीम रांची पहुंचेगी और 19 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में टी20 मुकाबला खेला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के आसपास आपके इलाके में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।